अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का जो वैकेंसी मैं अपडेट करूँगा कि कजाकिस्तान का है और वहाँ पे सैलरी जो है वो यूएसडी डॉलर में है और वीज़ा जो होगा वर्क परमिट वीज़ा होगा। कोई भी एडवांस परमिट आपको नहीं देना है, पासपोर्ट, ACR, ACNR सब चलेगा, ठीक है। और ये जो है कजाकिस्तान टेलर का काम है, तो हम आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें फ्री से अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट ACR भी चलेगा। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पहले अच्छे से समझ लीजिए और जब अगर सारा डिटेल समझ में आ जाएगा तो मैं इसी वीडियो के अंदर नंबर दूंगा, उसी नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट भेजना है। तो सब मिला के यही है कि वीडियो पूरा देखना है, भगाना नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो, बहुत से लोग होते हैं ना कि देखते नहीं है और उसके बाद भगा भगा के देखेंगे, उसके बाद पूरी डिटेल पता नहीं होगा, नंबर पर आके फिर मैसेज करेंगे, फ़ोन करेंगे कि ये डिटेल क्या है, वो डिटेल क्या है, तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि आपको टाइम पे फिर रिप्लाई कर पाऊँ, आपका फ़ोन उठा के पूरा डिटेल में फिर से बता पाऊँ, इतना टाइम नहीं होता है। इसी वजह से हम आप वीडियो बनाते हैं कि वीडियो के अंदर ही आप लोग को सब डिटेल बता दूँ, अगर आपको जाना हो तो उसी हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट के साथ में कॉन्टेक्ट किया करिए, ठीक है। तो सब मिला के यही है कि वीडियो पूरा देखना है, उसके बाद जाके डॉक्यूमेंट रेडी करना है और जब मैसेज करना है तो आपको डॉक्यूमेंट के साथ मैसेज करना है कि मैंने ये कजाकिस्तान वाला वीडियो देखा हूँ और इसमें जॉब अप्लाई करने के लिए ये अपना डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ। डॉक्यूमेंट आपका सारा ओके है तो कोई भी सिलेक्शन, वो सब डायरेक्टली सिविल सिलेक्शन है तो डॉक्यूमेंट ढंग से भेजना है जो आपका डॉक्यूमेंट जाएगा, क्योंकि सिविल सिलेक्शन में क्या होता है कि जितना क्लियर और जितना अच्छा डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि 50 लड़के चाहिए होता है कंपनी को तो 500 डॉक्यूमेंट जाता है। तो जिसका सही डॉक्यूमेंट, अच्छे से सब चीज़ क्लियर जानकारी होता है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन भी आप अगर डॉक्यूमेंट आज भेजेंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर ही सिलेक्शन आ जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट पे सिलेक्शन है, यानी सीवी सिलेक्शन जिसको बोलते हैं। तो सब मिला के यही है कि वीडियो लास्ट तक बने रहिए और जो यहाँ पे कमेंट करते हैं कि भाई छोटा वीडियो डालो, लॉन्ग वीडियो नहीं डालो, उनको टाइम नहीं होता है, वो बहुत बिजी होते हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनकी सैलरी 2-4 लाख रुपया होता है, जिसके पास टाइम नहीं होता है वीडियो देखने के लिए, वैसे लोग से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब अगर वैकेंसी देखना है और टाइम नहीं है आपके पास में तो सब्सक्राइब अपना डिस्क्रिप्शन में मैंने शॉर्ट वीडियो का, शॉर्ट चैनल का मैंने लिंक दे रखा हूँ, तो वो नवाबों के लिए है वो चैनल, ठीक है। जिसके पास टाइम नहीं होता है तो शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करके शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी का चैनल अगर टेलीग्राम नहीं सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे रखा हूँ, क्योंकि अभी रमज़ान में टाइम नहीं मिलता है, वीडियो अभी नहीं डाल पा रहा हूँ कंटिन्यू, लेकिन जो वैकेंसी है, डिमांड लेटर है, वो कंटिन्यू मैं अपडेट करता हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए आप लोग और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो कर लेते हैं अभी स्टार्ट। कजाकिस्तान का एक कंपनी है, उसको टेलर चाहिए, ठीक है। तो लेडीज टेलर चाहिए, ठीक है, लेडीज और जेंट्स दोनों चाहिए, मतलब स्टैचिंग टेलर, कटिंग नहीं, उसको स्टैचिंग आना चाहिए और जो अभी आजकल जो मशीन से सिलाई होता है वो वाला मशीन, मतलब उनको आना चाहिए। और ये एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट वीजा है, इसके अंदर जो सैलरी कंपनी ने लगाया हुआ है 350 USD, कजाकिस्तान का पैसे नहीं लगाया है, USD। कभी भी अगर आपको ये चेक करना होगा कि हमारा $300 का सैलरी इंडिया का कितना बनता है, तो आपको $300 डाल के ही नेट पे चेक करना है। ये नहीं है कि $300 कजाकिस्तान का मैं चेक करूँ, ठीक है, ये मैं चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। और इसमें जो ड्यूटी है 10 घंटे का, 1 घंटा लंच निकाल के 9 घंटा डेली ओवर टाइम करना है, प्लस कंपनी आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टिंग, फूड, यानी जो 350 सैलरी वो बेसिक सैलरी है, प्लस खाना कंपनी देगी, ठीक है, और रहने के लिए रूम, इकामा, जो भी जितना भी वहाँ का फैसिलिटी जो भी होता है सब कुछ कंपनी देगी। हफ्ते दिन की छुट्टी होगा फ्राइडे में, और फ्राइडे की छुट्टी वाले दिन काम करेंगे वो अलग से आएगा, और प्लस कंपनी ने बोला हुआ है कि 10 घंटे के बाद में जो ड्यूटी होगा उसका पर नग के हिसाब से अलग से कमीशन देगा। तो ये कमीशन वाला सिस्टम आप वहाँ जाएंगे जब पता चलेगा कि पर पीस के ऊपर क्या कमीशन कंपनी लगाएगी। तो सब मिला के सैलरी इसके अंदर $500 कहीं नहीं जाएगा, आराम से $500 उठा सकते हैं, ठीक है। $500 अगर आप सैलरी उठाते हैं तो लमसम हो जाएगा 45,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। और खाना पीना कंपनी फ्री ही दे रहा है, तो कंपनी अच्छी है। इसके अंदर अगर आप जाना चाह रहे हो तो पासपोर्ट ACR कोई भी चलेगा, 21 कंप्लीट होना चाहिए, उम्र आपका जो है वो 21 कंप्लीट होना चाहिए और लास्ट 38 तक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसमें आप जाना चाह रहे हो तो इसमें जो है ना, मतलब कोई अगर आप काम आता है आपको लेकिन प्रेजेंट टाइम पे आप घर पे हैं और या जॉब कर रहे या नहीं जॉब कर रहे, तो इसके अंदर पहले तो वीडियो बनाना है आपको सिलाई करते हुए। और वीडियो कैसा बनाना है, आप मशीन पर बैठे कपड़े उपड़े लेके जो भी सिलाई करेंगे, और अगर आप स्पॉट लाइन से काम करते हैं ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी काम होता है ज़्यादातर स्पॉट वाला ही काम होता है, बाकी का जो नॉर्मल मशीन पर काम करते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं ना जो स्पॉट लाइन वाले, वो बोलते हैं यार कि मुझे तो ज़्यादा काम नहीं आता है, स्पॉट में क्या होता है टी शर्ट ये वो
लोअर वोअर आता है सिलने के लिए, बस सिलाई मारना होता है, तो उसी टाइप का समझ लो ये है। तो यही है कि मतलब आप अगर स्पोर्ट लाइन से भी हैं जब भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर मतलब कटिंग सब करके मिलेगा आपको, सिलाई मारना है कभी तो इसमें अगर जाना है तो पहले वीडियो बनाना है सिलाई वाले मशीन पर बैठ के जो भी सिलेंगे वो कपड़ा लेके। और सिलाई स्टार्ट करने से पहले जो बंदा वीडियो बनाएगा उसका सारी चीज़ पहले ही बता देना है पूरा डिटेल, कि कैमरा जो है ना मतलब जब स्टार्ट करें वीडियो बनाने के लिए तो पहले जहाँ पे आप शॉप पे हैं वो पूरा ऐसा बना लें कि उसमें लगना चाहिए कि हाँ आप टेलर के दुकान पे हैं या कारखाने में या फैक्ट्री में हैं, जहाँ पे सब मशीनें फिट हो, हर चीज़ सिलाई हो रहा हो। फिर आपके पास में जब कैमरा ऐसा बोले तो अपना नाम बताओ, मेरा नाम ये है और मैं इतने दिन से सिलाई का काम करता हूँ और मैं भी सिल के दिखा रहा हूँ, अच्छे से एक वीडियो बनाना है। और उसके बाद में अपना पासपोर्ट और एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज का कोई कंप्यूटर दुकान पे जाना है, वहाँ से पहले एक सीवी बनवाना है, प्रोफेशन डालना है उसमें स्टेचिंग टेलर, और उसके बाद में कितना साल से आप काम वाम कर रहे हो वो अच्छे से डालो, और अपना पासपोर्ट फर्स्ट क्लास पेज, पासपोर्ट साइज का फोटो, वैक्सीन का रिपोर्ट ये अच्छे से स्कैन करके एक पीडीएफ फॉर्मेट बनाओ। और उसके बाद वीडियो और डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको भेजना है, बताना है कि मैंने ये वाला वैकेंसी देखा है इसमें भी जाना चाह रहा हूँ। डॉक्यूमेंट आपका आएगा तो आपको पहले सर्विस चार्ज बता दिया जाएगा कि क्या खर्चा आपका लगेगा, पेमेंट कोई एडवांस देना नहीं है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि आप अगर इसमें जाते हैं तो क्या आपका खर्चा लगेगा। तो ये सारा चीज़ें आप जितना जल्दी हो सकता है डॉक्यूमेंट आप भेज दीजिए। अगर आप एक बहुत से बंदे क्या करेंगे कि नंबर लेके फ़ोन करेंगे क्योंकि वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको पता नहीं है, तो जब तक वो वीडियो फ़ोन करेंगे मैसेज करेंगे यही डिटेल जानकारी लेने के लिए, तो जब तक कि क्या होता है कि वैकेंसी फुल हो जाता है, ठीक है। तो हम इसकी वजह से कहते हैं जब वैकेंसी देखो तो वीडियो पूरा देखो, यानी जब हमको मैसेज करो तो डॉक्यूमेंट के साथ में मैसेज करो, ठीक है। बाकी का और कुछ पूछना तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। बाकी अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।